ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है फिर ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है? तो गाइस, मैं यहाँ से पहले अपने मॉडल को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ से मैंने अपने मॉडल को ले लिया है। एंड इसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को मॉडल को कुछ इस टाइप से साइज़ को बड़ा करके इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है गाइस? तो जो मतलब कि शेडो वगैरह जो हम गाइस आज हमें मतलब कि इसको मैं पीएनजी दूंगा आप सभी को, ठीक है? तो हमें ड्रॉ टूल का काम की जरूरत है नहीं। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको पहले शेडो सॉरी मॉडल को यहाँ पे पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम यहाँ से अभी डन नहीं करना है आप सभी को, यहाँ पे जाना फिर दोबारा ऐड फोटो में। फिर जो है गाइस, आप सभी को शेडो का पीएनजी ले लेना है। ये मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, आप उसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को शेडो का पीएनजी कुछ इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है? तो पहले मैं इसको यहाँ पे अच्छे से ऐसे रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले छोटा करके। एंड आप इसको पहले डाउन कर लेते हैं, ठीक है? मूव टू डाउन करके। एंड इसके बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके एंड इस तरीके से हम यहाँ निकाल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। एंड इसके बाद क्या करना है आप सभी को, इसका फिर कर देना डुप्लीकेट, ठीक है? इसको हम डुप्लीकेट करके एंड इस वाले को हम यहाँ पे लगा देते हैं। एंड इसको भी हम कर देते हैं मूव टू मूव डाउन, ठीक है? इससे पहले हम इसके साइज़ को छोटा करते हैं एंड यहाँ पे ले लेते हैं। एंड इसको कर देते हैं मूव डाउन, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं थोड़ा सा शेडो को। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है इस वाले शेडो को ना हमें थोड़ा रोटेट कर लेना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस शेडो को मैं थोड़ा इस साइड को ऐसे कर देता हूँ। एंड जो ये वाला पॉइंट है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ। एंड उसका थोड़ा सा इसको डाउन एंड यहाँ से थोड़ा सा रोटेट। एंड यहाँ से इतना हो जाने के बाद यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है? इससे यहाँ पे जो देखिए कैसे एकदम परफेक्टली हमारा मॉडल है, शेडो दोनों मैच हो रही है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तब क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड आप सभी को मैंने ये हर्ट का पीएनजी दे रखा है, ठीक है? इस तरफ से कोई ग्लोइंग हर्ट है जो इसका ब्लेंडिंग मोड पहले स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको सिंपली इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड इसके बाद कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है? तो एक और है हर्ट का पिंज, आपको वो भी लगाना है। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे ऐड फोटो में, इसको ले लेते हैं। एंड जिसका गाइस जिसका ब्लेंडिंग मोड है, इसको भी हम पहले स्क्रीन कर देंगे यहाँ पे। एंड स्क्रीन कर देने के बाद पहले इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है? इसको फुल स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को जाना है ऐसे फिर रोटेट में। रोटेट में जाने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से रोटेट कर देना है। एंड इसको आपको सिंपली कुछ इस साइड से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? इसको आपको यहाँ पे लगा देना है। एंड इसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से आप जाना दोबारा से ऐड फोटो में। एंड इसके बाद ये लवर वाला पीएनजी है, ठीक है गाइस? तो ये टेक्स्ट पीएनजी लवर का, तो इसको आपको ये ले लेना है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड भी आप सभी को स्क्रीन कर देना है यहाँ पे। एंड इसको स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से साइज़ को गाइस जब ज़्यादा बड़ा मतलब कि पहले एक बार देख लेते हैं, बड़े में थोड़ा अच्छा लगे तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, बट हम इसको यहाँ पे बड़ा नहीं करेंगे, हम इसको कर लेते हैं छोटा थोड़ा, ठीक है? एंड हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं एंड ऐसे कर देते हैं डन, ठीक है? तो अब इसमें हमें वाइट शेडो बनाने के लिए हमें क्या करना है, सब ऐड फोटो में जाएंगे, हमें वाइट शेडो अपने मॉडल के लिए बनानी, तो हम वापस अपने मॉडल को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो वाइट शेडो नहीं गाइस, मतलब कि वाइट रिफ्लेक्शन जो कि हमारे पीछे बैकग्राउंड है वाइट है, हम इसको यहाँ पे रिफ्लेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ सब अपने मॉडल को हमने ले लिया है दोबारा, आपको भी ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद जाना आप सभी को इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद आप सभी को जाना कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आप सभी को ये वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन ले लेना है। एंड इसको कर देना है, इसके अमाउंट को कर देना है बिल्कुल जीरो, ठीक है? यहाँ से हम पहले जीरो कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं एंड कर देते हैं डन। एंड इसके बाद जाएंगे हम वापस से इफेक्ट में। एंड इसके बाद इसको हम कर देंगे नेगेटिव वाला ले लेंगे यहाँ पे। एंड इसको कर देंगे हम यहाँ से डन, ठीक है? एंड इसके बाद क्या करना है, आप सभी जाना इरेजर टूल में एंड यहाँ से कर देना इन्वर्ट। एंड साइज है जो उसको आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐसे पेंट करना है, ठीक है? तो जो मतलब कि वाइट पेंट करोगे ना, तो इससे ऐसा लगेगा कि मतलब कि जो वाइट रिफ्लेक्शन है वो मतलब कि वापस जो बैकग्राउंड में हमारे रिफ्लेक्शन है वो उसकी रिफ्लेक्शन हमारे कपड़ों के ऊपर पड़ रही है, ठीक है? तो इससे हमारा ये होगा। एंड ये तरीका आप सभी को कैसा लगा गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा हार्डनेस को कम करके यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा हेयर्स के ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर जो है ऊपर लाइट भी है, तो उस लाइट के लिए मैंने इसको ये यहाँ पे हेयर पे करा है मैंने, ठीक है? तो जो ऊपर से लाइट है हमारे हेयर के ऊपर आ रही है, तो इसलिए हम अपने यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप सभी को थोड़ा मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ा सा एंड यहाँ पे करके एंड थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। एंड जो है यहाँ से थोड़ी सी इसके ऊपर से टेम कर देंगे कम, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारी यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है यहाँ पे, तो अब यहाँ से करते हैं हम डन, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है आप सभी को ब्लर वाले ऑप्शन उसमें सॉरी टूल्स में, टूल्स में जाना, उसके बाद आप सभी को जाना एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, यहाँ से इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर देना है एंड आप सभी को जूम करना कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप अपनी बॉडी पे आप सभी कुछ इस टाइप से डोजन बन करना, ठीक है? एक यहाँ पे कर देना है और एक यहाँ पे कर देना है, सॉरी गाइस यहाँ पे आप थोड़ा साइज बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है? जहाँ पे हम साइज को बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पे एक पेंट यहाँ कर देता हूँ। एंड उसके बाद है जो पैंट के ऊपर भी कर देते हैं थोड़ी सी एक यहाँ पे,
एंड जो गाइस ये थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ पहले यहाँ पे, एंड इसको एक पेंट यहाँ पे कर देता हूँ और एक यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाने के बाद आप सभी को थोड़ा टी शर्ट वगैरह पे भी कर लेना चाहिए, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा नेक के ऊपर भी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे टी शर्ट वगैरह के ऊपर तो हमारा हो ही रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पेंट यहाँ कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो थोड़ा हेयर के ऊपर भी कर देते हैं, एंड यहाँ से करते हैं डन, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट आप सभी को कुछ इस टाइप से इतना बढ़ा के रख देना है, ठीक है। तो अराउंड 10 या 10 या इतने तक रख देना है, एंड यहाँ पे जो जितना रह रहा है यहाँ पे रेज कर लेता हूँ पहले मैं साइड में, एंड यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है। तो अराउंड 10-12 तक कुछ कर देना आप सभी को, एंड उसके बाद यहाँ से कर देना डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पिक्सल का काम हो चुका है तो यहाँ से हम फोटो कर लेंगे सेव, एंड यहाँ पे जो कलर करेक्शन वो करेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस लाइट रूम का आप सभी को देखना बहुत जरूरी है, वहाँ का थोड़ा मतलब कि थोड़ा वहाँ पे आप देख लोगे ना तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि आप सभी को कलर करेक्शन कैसी करनी है। तो गाइस आप सभी को करना क्या है, गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया सर, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पर परफेक्टली ऐड हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अपनी फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड इसको हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एंड यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद गाइस आप सभी को साइड में दिख रहा होगा लाइट का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद आप सभी को कॉन्ट्रास्ट को इसके थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो शैडो है इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड इसके बाद जाना आप सभी को यहाँ पे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को आपको माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद जाना आप सभी को कलर मिक्स में, एंड मिक्स में जाने के बाद आप सभी ऑरेंज कलर को लेना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड जो ये येलो कलर है इसके सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को ब्लू कलर में, एंड इसके जो ह्यू है इसको आपको प्लस में कर देना है, एंड सेकंड ब्लू में जाना है इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, एंड सैचुरेशन को प्लस में, ठीक है। एंड इसके बाद कर देना आपको सभी को यहाँ से डन, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आप सभी को इसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट आप सभी को हल्के से विग्नेट डाल देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ से ग्रेन अमाउंट को भी बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, एंड जो फोटो की शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है, एंड जो नोट डायरेक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोट डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड आप सबको 3 पॉइंट्स दिख रहा है आपको इसमें जाना है, एंड जो उसकी शेडो है आप सभी को इसको ले जाना है ब्लू टोन में, ठीक है, एंड यहाँ से स्काई ब्लू टोन में ले जाना है, एंड इसका जो शेडो मिड टोन है इसको भी आप सबको स्काई ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है गाइस। इसको उसके बाद आपसे करना क्या है, आप सबको जाना है ऐसे हाईलाइट्स में, हाईलाइट्स में जाने के बाद आप सबको इसको भी ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है, ब्लू टोन में ले जाना है, एंड ऐसे कर देना है इसको भी डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यार आप सभी को वीडियो कैसी लगी यार प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि यार मेरे को मतलब कि पता लगे कि आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।